हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा मेरी माँ की रेसिपी से। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का पुआ। बहुत लोग इसे रवा का पुआ कहते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामानों से ये बन के तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो आज हमने सूजी पुआ के साथ में आलू पटेल की सब्ज़ी भी बनाई है, साथ में हमने अचार भी इसमें डाला है, क्योंकि बहुत लोग इसे इसी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ सूजी की पुआ, बहुत करारे बनते हैं दोस्तों। तो आप देख लीजिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो बहुत ही कम सामानों से ये बन के तैयार हो जाते हैं, झटपट बन जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एक कटोरा ले लेंगे और इसमें हम एक कटोरी दे देंगे सूजी। तो ये महीन सूजी है दोस्तों, तो आप दानेदार भी सूजी ले सकते हैं। तो वो इसमें डाल दीजिएगा एक कटोरी, और एक कटोरी आप दे दीजिएगा मैदा। तो जितनी हमने मैदा लिया थे उतना हमने सूजी भी लिया है, तो इसे भी डाल देंगे हम। और साथ में हम डाल देंगे ये देखिए आधा कटोरी जैसा चीनी। तो हमने एक कटोरी सूजी, एक कटोरी मैदा लिया था और आधा कटोरी हमने चीनी लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे काजू। तो हमने 10-12 काजू को ऐसा टुकड़ों में काट लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये गार्निश के लिए मैं थोड़ा सा अलग करके रख लेती हूँ किशमिश और काजू को। और ये देखिए हमने 3-4 इलायची के, हरे इलायची है ये, इसके दाने हमने निकाल लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर इसे हम हल्के से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल 2 चम्मच दे सकते हैं, ताकि आपका सूजी खास्ता बनेगा, लेकिन मैं बिना रिफाइंड दिए मैं बना रही हूँ। और ये है दूध, तो ये दूध है सुसुम दूध, यानी कि हल्का गर्म किया हुआ दूध है दोस्तों। पहले हमने उबाल लिया था, फिर उसके बाद ठंडा करके इसे सुसुम कर लिया है, हल्का गर्म है ये। तब मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह डालने से सूजी जल्दी फूल जाते हैं और हमारे पुआ जो है बहुत ही क्रंची बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध देके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। और ये दूध में हमारे बच गया, इसे मैं बाद में यूज करूँगी। तो इसे रेस्ट करने के लिए मैंने आधे घंटे इसलिए रख दिया है। और ये आधे घंटे हो चुके हैं दोस्तों, तो ये देखिए कितने गाढ़े हैं अभी। तो इसे मैं थोड़ा सा थोड़ा दूध देके इसे पतला घोल कर लूँगी। और इसे थोड़ा फेंटते हुए मिलाइएगा, क्योंकि इसे ज़्यादा फेंटिएगा तो इसके पुआ जो है वो हल्के बनेंगे बहुत। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा दूध देके इसका हल्का पतला घोल कर लिया, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा ना तो आपका पुआ बनेगा नहीं, इसके घोल हल्के गाढ़े ही होते हैं। तो ये देखिए हमने इधर तेल भी गर्म करने का रख दिया है, तो ये हमने रिफाइंड तेल कर लिया है। आप घी में बनाइएगा तो और भी अच्छे बनते हैं ये पुआ। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें डाल देंगे घोल को। ये देखिए हमारे पुआ उलट पुलट करके सेक ले रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे हमारे पुआ बन रहे हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये पुआ। तो आप अगर मैदा के पुआ खाते हैं तो एक बार आप ज़रूर ये रवा पुआ बनाइएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे पुए को निकाल लेंगे बना करके, और इसे आप ऐसे ही खाइए या फिर सब्ज़ी के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रवा पुआ। अब समय आ गया दोस्तों टिप्स का। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे आपको टिप्स दिखा सकूं। तो आज का टिप्स है, ये घरेलू टिप्स है दोस्तों। अगर आपके पेट में इस तरह से चर्बी हो गई, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट अंदर हो जाए, चर्बी सारे निकल जाए, तो मैं एक उपाय बताऊँगी इस तरह से करने से आपके सारे चर्बी ये हट जाएंगे। आप बोलिएगा मैं आपको योगा करने बताऊँगी, लेकिन नहीं दोस्तों, योगा तो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो तो कीजिएगा ही, लेकिन इसके अलावा ही मैं एक उपाय बताऊँगी इस तरह से खाने से। वो इस तरह से खाइएगा आप, तो आपके सारे चर्बी जो है वो अंदर हो जाएंगे, यानी कि आपके पेट अंदर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा उपाय है, जो ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने ले लिया है कटोरी दही, ये ताज़ा दही है दोस्तों, दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो उसके साथ आप ले लीजिएगा ये गोलकी। तो ये 20 दाने गोलकी के हैं, आप इसे दरदरा कूट लीजिएगा। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आप इसका पाउडर भी नहीं बनाइएगा, बस इसे दरदरा कूट लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद इसमें आप आवश्यकता अनुसार, यानी कि स्वाद अनुसार काला नमक मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद इसका हल्का घोल पतला कर लीजिएगा और इसे आप गड़गड़ा करके पी लीजिएगा इसे आप। तो बस इसे खाली पेट पीना है, या फिर अगर आप खाली पेट नहीं पीना चाहते हैं तो खाना खाने के 2-3 घंटा के बाद इसे आप इस तरह से पीजिएगा। तो पी लेने के बाद आपको ये डेली करना है, और इस तरह से करने के बाद आप देखिएगा कि आपके पेट है जो धीरे धीरे अंदर होने लगेंगे, आपकी चर्बी जो है वो गलने लगेगी, क्योंकि दही जो खट्टी होती है वो पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बालों के लिए और फेस के लिए भी दही बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो अगर आपके पेट में गड़बड़ी है, अगर खाना पचता भी नहीं है, तो दही है जो खाना भी पचाता है दोस्तों, और शरीर को हेल्दी भी करता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे हर दिन कीजिएगा। इसे बस घोल लेना है, घोल के पीना है इसे। या अगर आप पीना नहीं चाहते हैं तो इसके आप चावल के साथ में खाइए। तो इसके खाने के लिए आपको रायता बनाना होगा, तो कद्दू ले लीजिएगा। कद्दू को कस करके इसे आप उबाल करके इसमें मिला दीजिएगा, और जीरा मिर्चा सेका हुआ डाल दीजिएगा, और इसे मिला करके आप खाइए, आपको पेट बहुत जल्दी अंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं, टिप्स अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, आके बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
टिप्स यूजफुल है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों।